हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में ये एनालाइज करेंगे कि बेसिकली जो ये फिमडा है यानी कि फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली क्या है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इसकी जो फुल फॉर्म में ये जो फिक्स्ड इनकम लिखा है, बेसिकली जो ये मनी मार्केट लिखा है और ये जो डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिखा है, इसको भी हम बाइफर्केट करके समझेंगे कि इसका मतलब बेसिकली है क्या। हर चीज को डिटेल में समझेंगे कि फिमडा जो है उसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उसका मिशन है, कब उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, हर चीज को डिटेल में समझेंगे। वेल, इसके अलावा बैंकिंग एंड अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो हमने अपने चैनल एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन पे ऑलमोस्ट हर वीडियो को कवर कर रखा है बैंकिंग एंड अवेयरनेस की। अगर आप भी चाहते हैं कि एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए फिमडा को समझते हैं। सबसे पहले फिमडा को समझने के लिए हमें बेसिकली ये देखना होगा कि फिमडा की फुल फॉर्म क्या है और इसके जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं। देखो, फिमडा की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। अब इसको हम तीन पार्ट्स में बाइफर्केट कर लेंगे कि फिक्स्ड इनकम, उसके अलावा मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वेल, अब इसका मतलब क्या है। देखो, अब फिमडा जो है वो एक वॉलेंटरली मार्केट बॉडी है। बेसिकली ये तीन चीजों को कंट्रोल करती है। सबसे पहले एक बॉन्ड मार्केट को, एक मनी मार्केट को और एक डेरिवेटिव मार्केट को। अब ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? वेल, अगर आप चाहते हैं कि मनी मार्केट का एक डिटेल एनालिसिस देखना तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इन तीनों को समझेंगे इस वीडियो के अंदर भी। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिमडा बेसिकली है क्या। मान लीजिए ये फिमडा है, ठीक है। फिमडा के अंडर बहुत सारे जो है मेंबर्स काम करते हैं। अब ये मेंबर्स कौन है? देखो, मेंबर्स में आते हैं सारे के सारे कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। देखो, कमर्शियल बैंक में सारे के सारे आपके सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में सारी की सारी इंश्योरेंस, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी क्या है? इसकी मेंबर है, ठीक है। फिमडा की सारी क्या है? ये मेंबर्स हैं। अब ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये मेंबर बेसिकली करती क्या है? अब सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि ये जो फिमडा का रोल है उसके अंदर फिमडा कंट्रोल किन चीजों को करता है। देखो, फिमडा कंट्रोल करता है बॉन्ड मार्केट को, मनी मार्केट और डेरिवेटिव। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मनी मार्केट बेसिकली क्या है। देखो, मनी मार्केट के अंदर क्या होता है, देखो इसका डिटेल एनालिसिस मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं उस वीडियो में देख सकते हैं। बस इस वीडियो में भी मैं आपको लगभग ओवरव्यू से सारा का सारा समझा दूंगा। बेसिकली मनी मार्केट क्या होती है, जब भी दो बड़ी बड़ी संस्थाएं, दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दो बड़ी बड़ी कंपनीज, दो बड़े बड़े बिजनेसमैन, दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक दूसरे से पैसे का जब लेन देन करते हैं तो वो बेसिकली किसके अंदर लेन देन करते हैं? मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा मनी मार्केट की जो मैच्योरिटी है वो हमेशा आपको मिलेगी लेस देन वन ईयर, ठीक है। और इसकी जो कंट्रोलिंग है मनी मार्केट की, ये रहती है आरबीआई के पास, ठीक है। अब उसके बाद आता है बॉन्ड मार्केट। देखो, बॉन्ड क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी एक कंपनी, मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस एक बॉन्ड इशू करती है, ठीक है। बॉन्ड्स का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब क्या है? एक तरह से सिक्योर्ड एसेट है। यानी अगर देखो, बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, एफडी के बराबर है। अगर मान लीजिए आज एक कंपनी ने 1,00,000 रुपए का बॉन्ड इशू करा और बोला कि 7% के हिसाब से 1 साल के लिए हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस आए, चाहे कंपनी लॉस में चली जाए, आपको 1 साल के बाद 7% के हिसाब से 1,07,000 रुपए आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होती है? बॉन्ड मार्केट। अब मेन चीज क्या आती है कि डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। अब डेरिवेटिव मार्केट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है हेजिंग, एक होती है स्पेकुलेशन। वेल, इसके अलावा जो डेरिवेटिव मार्केट है वो चार तरह की होती है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो डेरिवेटिव का पहली बात तो मतलब क्या है। मान लीजिए एक डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, एक अंडरलाइंग एसेट है, जैसे मान लीजिए दूध है, मिल्क है, ठीक है। मिल्क से आप क्या बना सकते हो? एक तो मिल्क से बन जाता है घी और एक मिल्क से बन जाती है दही, ठीक है। ये क्या है? अंडरलाइंग एसेट है और ये इसकी क्या है? डेरिवेटिव है। कुछ इस तरह से ही हमारा डेरिवेटिव काम करता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू आज की डेट में 100 रुपए है, ठीक है। आपने क्या सोचा कि मैं इसको मान लीजिए आज की तारीख है 1 जनवरी 2020, ठीक है,
आपने सोचा कि इस शेयर को मैं 1 जनवरी 2021 को सेल करूंगा, ठीक है, आपने बोला कि 110 रुपए में आज ही सेल करूंगा, यानी आपने क्या करा, फ्यूचर में सेल करेंगे लेकिन उसकी बुकिंग क्या कर ली, आज ही कर ली, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, दो तरीके हो गए। हेजिंग का मतलब क्या होता है, रिस्क को कम कर लेना, यानी आपने एक तरह से रिस्क कम कर लिया कि चलो ठीक है आज इसकी वैल्यू 100 है, एक साल बाद बेचूंगा 110 में, जो होगा ठीक है 10 रुपए का तो मुझे पर शेयर फायदा हो ही रहा है। सेकंड चीज क्या है कि आपने बैटिंग करी है, बैटिंग मतलब एक तरह से जिसको रफ लैंग्वेज में अगर बोले तो आपने सट्टा लगाया कि जैसे मान लीजिए आज 100 रुपए है तो आपको ये लग रहा था कि शायद इसकी वैल्यू कल को 90 रुपए हो जाएगी, तो मैं आज इसको ही फॉरवर्ड बुकिंग मतलब फ्यूचर की बुकिंग कर लेता हूं 110 रुपए में, ठीक है। तो ये आपने एक तरह से सट्टा लगाया, हो सकता था फ्यूचर में जाकर के इसकी आप अगर अपने पास ही रखते और बुक नहीं करते तो 120 वैल्यू हो जाती, तब आपको 10 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन आपने एक तरह से सट्टा खेला, आपको लगा कि 90 रुपए इसकी वैल्यू होगी तो आपने 110 रुपए कर ली। तो इस टाइप की जो मार्केट होती है वो क्या होती है, डेरिवेटिव मार्केट होती है। वेल, इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली हमें ये समझना है कि फिमडा का क्या काम होता है, बॉन्ड मार्केट संभालना, मनी मार्केट को और डेरिवेटिव मार्केट को संभालना, ठीक है। अब उसके बाद फिमडा की एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें तो ये 4 जनवरी 1998 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। बेसिकली तीन मार्केट्स को ये रेगुलेट करता है, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट को। उसके बाद मेन चीज क्या आती है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली इसका मिशन क्या है, क्यों इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। देखो ये क्या चाहता है, ओवरव्यू अगर हम देखें कि जो ये बॉन्ड मार्केट है, मनी मार्केट है ये और जो डेरिवेटिव मार्केट है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो एक तरह से प्रॉपर तरीके से होती रहे, इसके अंदर जो मेंबर काम कर रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि ताकि जो प्रॉपर फंक्शनिंग सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी ये मार्केट्स हैं इसके अंदर जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से होती रहे। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर एक ऑर्डर से चलती रहे, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट दे दिया गलत तरीके से अनऑर्गेनाइज वे में और अपने पास जो है सिक्योरिटी रख ली और उसका कोई कल को अगर मान लीजिए एक साल के बाद कोई लेने जाता है तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट वैलिड, यानी एक प्रॉपर और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये इन तीनों मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, प्रॉपर रूल रेगुलेशन चलते रहे, ठीक है, डेवलपमेंट हो इस तीन सेक्टर की, तो इस वजह से इसका अस्तित्व है फिमडा का। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था कि फिमडा बेसिकली है क्या। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।